डॉली और प्रिंक का पार्सल आ चुका है बैडमिंटन का गाइस। ओ मेरा उंगली। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह के 8:30 हो चुके एंड मैं जिम के लिए निकल रहा हूँ फटाफट। मेरे अलावा प्रेम तो अभी तक फिलहाल सो ही रहा है, उठ गया था 6 बजे, सारे अलार्म लगा दिया था उसने। 2 अलार्म थे, एक छोटी वाली घड़ी में, एक फ़ोन में, दोनों में लगा दिया गया। मेरी तो नींद 6 बजे उठ गई थी, मैं 6:30 का अलार्म लगा के रखा था। अभी फटाफट गाइस मैं चलता हूँ एंड बाहर का मौसम देखिए गाइस, कोई धूप का नामो निशान नहीं है, फॉगी फॉगी डे आज भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा मौसम भी अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अभी अभी बस मैंने बैल्कनी खोली है। सो फ्रेंड्स, इसे देखिए, 6 बजे उठने के बाद यहाँ आके पड़ी है फिर से दादी लोग के रूम में। अभी मैं इसे टॉर्च मार मार के इसे उठाऊंगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, कल भी इसने ये किया था भाई, 6 बजे उठा नहीं है, 2 अलार्म क्यों लगाते तू। गाइस देखिए क्या हाल है इसके, चलो उठ उठ। देखिए गाइस, उठ ही नहीं रहे, इतना सोता है ये। 6 बजे उठने की बात करें, जल्दी सो गया था कल तो, इनफैक्ट फिर भी ये हाल है इसका देखिए तो। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये दिन में सो जाता है इसलिए इसका ये हाल है। आज हम सोने नहीं देगा, आज हम सोने नहीं देगा, आज हम सोने नहीं देगा, इसलिए यहाँ आता है गाइस, ताकि मैं इसे उठाऊं ना। ये फंस गया, उठो 9 बजने वाले। ये टग ऑफ वॉर खेलेगा गाइस हम लोग अभी, टग ऑफ वॉर गाइस। देखिए फिर सो गया, ये देखिए गाइस, मत करो यार, उठ जाओ। ये देखिए गाइस, हमारे बीच में टग ऑफ वॉर चालू हो चुकी है, कौन जीतेगा देखते हैं। स्लीपिंग प्रेम या एक्टिव मी। One eternity later. So friends, अभी मैं जिम से आ चुका हूँ एंड अभी बस खाना खाने बैठते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है गाइस, 11:30 पार हो चुकी हैं एंड आज मुझे एक मीटिंग में जाना है गाइस, कुछ प्रोफेशनल काम की मीटिंग है तो उसमें निकलेंगे बस दोपहर में है मीटिंग। अभी फिलहाल खाना खाते हैं और फिर थोड़ा बहुत काम करते हैं, मीटिंग के लिए रेडी होते हैं गाइस। गाइस ये देखिए, ये सामान लेके आ चुका है, क्या सामान आया भाई। सो फ्रेंड्स, प्रेम का कुछ पार्सल आया जिसको ये कूद कूद के अभी लेके आया और देखिए देख रहा है अभी क्या है भाई इसके अंदर, मुझे भी नहीं पता, देखते हैं गाइस। अरे भाई साहब, प्रेम क्या क्या मंगाता रहता भाई। ओ माय गॉड, आई थिंक कुछ इलेक्ट्रॉनिक सा सामान है शायद, इसलिए इसका चेहरे पे इतनी रौनक आके रखी है। देखिए गाइस, इतनी खुशी मुझे लौंडे के मुंह पे, देखो हंसी आई। मोटर ड्राइवर, खोल के दिखाओ, उसका घूंघट उठाओ, पीछे से कोई आती हुई लुक लाइक ये देखने है, इसका कोई सामान आया क्या। मोटी के अर्सा में यही लगता है कि उसका ही कोई सामान आया। 2 गियर मोटर्स और ये एक एल्यूमिनियम 3D मोटर ड्राइवर। ये मोटर ड्राइवर क्या बोला तूने भाई साहब, हमें नहीं पता है क्या होता है, काइंडली उसके बारे में बताइए। तो गाइस, जैसे मोटर जो है ना, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक्चुअली क्या है, दोनों कंट्रोल एक पावर से नहीं होगा, दोनों को सेम पावर देने के लिए गाइस मोटर ड्राइवर यूज होता है, जैसे दोनों मोटर्स। अरे कहना क्या चाहते हो, अबे किस काम में आता है वो बताना भाई। वही बोला, मोटर कंट्रोल्स करने के लिए। क्या तू किस में यूज करेगा इसको। हाँ, ये हम बनाएगा रिमोट कंट्रोल कार, जिससे क्या है मोटर हर डायरेक्शन में जा पाए। गाइस देखिए, एक कार बनाने के लिए कितना सामान मंगाता है ये, और ये सारा सामान इसकी पॉकेट मनी से आया, जो कि अच्छी बात है, इसने अपनी पॉकेट मनी स्पेंड की अच्छी तरीके से। वेरी गुड प्रेम, अब इसे क्या करेगा, मोटर कार में लगाएगा तुम्हारा, हाँ रिमोट कंट्रोल कार में। और वहाँ पे है गाइस प्रेम का तिजोरी, ये देखिए क्या क्या तिजोरी का सामान निकालता रहता है बार बार। A few moments later. So friends, अब है निकलने की बारी, मैं चलता हूँ मीटिंग के लिए। और यहाँ पे इस महाशय को देखिए, ये पता नहीं क्या क्या रिसर्च करेगा, आज इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, आज बन जाएगा गाइस, इसको कॉन्फिडेंस नहीं है आज बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई नहीं कभी भी बन जाए तो देखेंगे गाइस। ये बंदर कुछ बना पाता कि नहीं बना पाता देखते एंड मैं जैकेट वैकेट लेता हूँ गाइस, फिर निकलते। सो फ्रेंड्स, मैं बस अभी निकलने ही वाला था, इतनी देर में देखता हूँ कि डॉली और प्रिंक का पार्सल आ चुका है बैडमिंटन का गाइस। तो गाइस चलिए फटाफट उन्हें दिखाते हैं, सरप्राइज करते हैं, फिर निकलते हैं। चलिए गाइस एंटर करते हैं। नहीं देगा, नहीं दिखाएगा, मोटी इधर गाइस, रिएक्शन देखिए इस बंदर का, गीली गीली गीली। ओ मेरा उंगली, ओ लगेगा नहीं भाई,
हम तो सुपरमैन है ना इंडिया के। जो ये देखिए गाइस, मेरी उंगलियां मार दिया, उसको कोई दर्द नहीं है, इसको खाली रैकेट से मतलब है। और ये अभी डोली को ही बुला रहा है। ये देखिए गाइस, इन दोनों की लड़ाई झगड़ा हो रही है। अनरैपिंग पे इतना लफड़ा गाइस, ये देखिए मोटी दिखा ये। सो ये रहा रैकेट गाइस। खुरापति आदमी खुरापति काम करता रहता है। दोनों खुश ना भाई, बाद में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए अपन को। ये देखो गाइस, इसको सुंदरता में पड़ा हुआ है, मोटी खेलने को मिल रहा है, वो कम है क्या? तोड़ चुके हैं पहले दोनों गाइस ये लोग। खैर गाइस, मैं तो निकलता हूँ फटाफट, मुझे हो रही है देरी, इनको बस देने आया था मैं, फटाफट निकलता हूँ एंड चलते हैं। सो बाय बाय गाइस, हमारा फाइनली रैकेट आ चुका है, जिसको प्रेम को ज्यादा इंतजार था, हम लोग उसको न्यू ईयर के दिन खेलेंगे। इससे न्यू ईयर अभी आज भी खेलेगा, पर न्यू ईयर के दिन हम लोग ट्रिप में जाएगा तब खेलेगा। शाबाश। तो चलिए गाइस, सफर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा खासा टाइम लग चुका है, शाम हो गई है, दोपहर में आया था एंड अभी घर की तरफ चल रहा हूँ। बस फटाफट चलते हैं, बाइक में ही हूँ, मुझे याद है, मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ, इसलिए रुक गया था। फटाफट चलते हैं एंड घर पहुँच के कुछ खाते हैं गाइस, बहुत भूख लग रही है। एंड गाइस, एक और चीज़, यहाँ पे इतनी सारी चाट की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, इनको इनके आगे से निकल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि भाई खाई लो कुछ। नहीं, लेकिन नहीं खाएंगे हम, सीधा घर जाके खाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं एंड बस अभी बाइक से उतरते हैं एंड घर की तरफ चलते हैं। चलिए। सो गाइस, कौन से वाले में जाऊं, इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं, पहले इसमें घुसते हैं। गाइस, अभी मैं घर में घुसा था और ये माशा को देखिए, किचन में आज घुसा हुआ, पता नहीं क्या खुरापति बनाएगा, लेकिन इसकी आंखें देखिए गाइस, प्याज काट रहा है कि रो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओ भाई, इतनी जल्दी है तो मत काटना प्याज, भूख लग रहा है। भूख लग रहा है, मम्मी को बोल दे बना देगी। अपना अच्छा खाने का मजा ही अलग है, बनाना तो आना पड़ता है। अच्छा, सो फ्रेंड्स, रात का समय हो गया, 10:30 बजने वाले हैं एंड इस महाशय की एक्साइटमेंट खत्म ही नहीं हो रही, ये अभी तक सारा सामान खिंडा के रखा बना रहा है। भाई खिंडाया ऐसे नहीं है ना, देखिए कितना डेडिकेटेड है बंदा, आज बना के ही छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा जब तक नहीं बनाएगा। ये देखिए कैसे बैठा है जी, कैसा लग रहा है आज काम करके? एंड गाइस, डॉली अभी पढ़ाई कर रही है और अखिल थोड़ी देर पहले आया था अपनी सब्जी दिखाने के लिए, तो उसकी सब्जी मैंने टेस्ट तो नहीं की, बट आई होप अच्छी बनी होगी, उसने खा लिया होगा। वो अभी मूवी हुई देखने में, उस घर में मूवी हुई देख रहा है शायद। तो अभी तो मैं फिलहाल नहीं जाऊँगा, अभी फिलहाल मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ गाइस, बहुत देरी हो चुकी है, आज बहुत थकान भी हो चुकी है, काम बहुत करनी है कल, तो इसलिए फटाफट सोएंगे गाइस। एंड डॉली को देख के आते हैं क्या कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये मोटी भी पढ़ाई कर रही है, इसे डिस्टर्ब नहीं करते, बेचारी का एग्जाम आ गया है इसलिए पढ़ने देते हैं इसे। सो दोस्तों, सब तो बिजी हैं, फिर सिवाय मेरे, तो मैं भी थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, फटाफट एडिटिंग लेके बैठते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली इतनी देर कभी इधर कभी उधर पोजिशन चेंज करके एडिटिंग फाइनली मैंने कम्प्लीट कर ली गाइज। तो अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं रात के, तो हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस अभी मैं इसे अपलोडिंग में लगाऊंगा एंड फिर गाइस अच्छी सी नैप लेंगे, नैप नहीं सो जाएंगे आराम से। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। सो गाइस, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, रैकेट मिलने जा रहे हैं बाहर, तो हम लोग करने वाले हैं Party, party, party.